इज अ फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल वो केमिकल स्पीशी यानी कि एटम या मॉलिक्यूल है जो कि हाइली रिएक्टिव होता है अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है फ्री रेडिकल इज डिफाइंड एज अ केमिकल स्पीशी एटम और मॉलिक्यूल हैविंग अनपेयर्ड और सिंगल वैलेंस शैल इलेक्ट्रॉन यानी जब कभी किसी एटम या मॉलिक्यूल के वैलेंस सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो वो फ्री रेडिकल कहलाएगा जैसा कि हम जानते हैं कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करता है टू इलेक्ट्रॉन्स को जबकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है सिंगल इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर हम जानेंगे कि हमारे पास किसी भी एटम के वैलेंस सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन कब होगा याद रखें कि जब कभी किसी एटम के वैलेंस सेल में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे फॉर एग्जांपल वन इलेक्ट्रॉन थ्री इलेक्ट्रॉन्स फाइव इलेक्ट्रॉन या सेवन के वैलेंस सेल में मौजूद होना रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास ये एटम या मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल है अब सवाल ये है दैट हाउ डज फ्री रेडिकल फॉर्म फ्री रेडिकल फॉर्मेशन कब और कैसे होती है चलिए फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को एनिमेशन की हेल्प से इजीली अंडरस्टैंड करते हैं स्क्रीन पर मौजूद टू एटम्स अपने वैलेंस सेल को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यानी कि कोविलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं और इस कोविलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के रिजल्ट में हमारे पास एक स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है जैसे ही हमारे पास ये मॉलिक हीट लाइट इलेक्ट्रिकसिटी एक्सेट्रा इस तरह की फैक्टर्स की प्रेजेंट में हमारे पास इस मॉलिक्यूल का ब्रेकेज हो जाएगा यानी कि होमोलिटिक क्लीवेज होगी यहाँ पर और इसके रिजल्ट में फ्री रेडिकल फॉर्म होगी अब सवाल ये है दैट व्हाट इज होमोलिटिक क्लीवेज होमोलिटिक क्लीवेज क्या है सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं को बॉन्ड ब्रेकेज इन विद द शेयर इलेक्ट्रॉन्स इज स्प्लिट इवनली बिटवीन द प्रोडक्ट्स यानी जब कभी हमारे पास कोबिलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग हो रही है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी प्रोडक्ट के एटम्स के दरमियान यानी रिएक्टेंट में हमारे पास जो मोलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है तो जैसे ही इसकी होमोलिटिक ब्रेकेज होगी तो इसके रिजल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट में जो मौजूद आइटम्स होंगे वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस ले लेंगे और इसके रिजल्ट में हमारे पास फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगी सिंपलेस्ट एग्जांपल है हमारे पास फ्री रेडिकल फॉर्मेशन की वो है हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मौजूद है रिएक्टेंट साइड पर यहाँ पर टू हाइड्रोजन एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन के जरिए हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हुई है जैसे ही इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की होमोलिटिक क्लिविच होगी तो इसके रिजल्ट में हमारे पास फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगी जैसा कि अभी हमने जाना कि होमोलिटिक क्लिविज का मतलब ये है कि जब कभी हमारे पास बॉन्ड ब्रेक होगा मॉलिक्यूल के दरमियान तो इसके रिजल्ट में जो एटम्स यहाँ पर मौजूद होंगे वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट साइट पर हमारे पास जो फ्री रेडिकल हाइड्रोजन मौजूद हैं दोनों हाइड्रोजन एटम ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस ले लिया है और इस तरीके से हमारे पास फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हुई है जैसा कि हम जानते हैं कि फ्री रेडिकल फॉर्मेशन तभी होगी जब हमारे पास किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल में सिंगल अनपेड या फिर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जिसके वैलेंस शेल में सिंगल या अनपेड इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास ये एक फ्री रेडिकल है एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री रेडिकल्स

तो इसके रिजल्ट में टू क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लोरीन फ्री रेडिकल जिसके वैलेंस सेल में वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसे डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है ये शो करता है फ्री रेडिकल को चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं फ्री रेडिकल फॉर्मेशन की और अब की बार हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगी मीथेन मॉलिक्यूल के जरिए मीथेन जिसे CH4 से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है क्योंकि यहाँ पर कार्बन ने फोर हाइड्रोजन के साथ कोविलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन किए हैं जैसे कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान शेयरिंग के रिजल्ट में कार्बन का ऑक्टेट जबकि हाइड्रोजन का डुप्लेट कम्प्लीट है यही वजह है कि मीथेन एक स्टेबल मॉलिक्यूल है जैसे ही मीथेन मॉलिक्यूल का होमोलिटिक क्लेवेज होगा यानी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके रिजल्ट में कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा तो इसी को होमोलिटिक होमोलिटिक्लेवेज कहा जाता है यानी कि बॉन्ड कुछ इस तरीके से ब्रेक होता है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों एटम्स अपने अपने प्रोडक्ट में वापस ले लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब जो कार्बन है उसके पास वैलेंस सेल में सेवन इलेक्ट्रॉन है जबकि हाइड्रोजन जिसके पास प्रोडक्ट साइड पर सेल में वन इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो दोनों सी एच थ्री जो कि रिप्रेजेंट करते हैं मीथाइल को और इसके ऊपर ये एक डॉट यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या सिंगल इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है कि ये मीथाइल फ्री रेडिकल है जबकि हाइड्रोजन जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो गई है सो so, इस तरीके से हमारे पास मीथेन मॉलिक्यूल्स की जब होमोलिटिक लेवेज होगी तो हमारे पास इसके रिजल्ट में मिथाइल मीथाइल फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिथाइल फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल दोनों ही का वैलेंस सेल इनकम्प्लीट है यही वजह है कि ये फ्री रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव और अनस्टेबल हैं। वाई फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव

देन है हमारे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल ब्रोमीन फ्री रेडिकल फिनाइल फ्री रेडिकल एंड मिथाइल फ्री रेडिकल इन तमाम एग्जांपल्स में हमारे पास ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जो कि बताता है कि तमाम की तमाम एग्जांपल्स हमारे पास फ्री रेडिकल्स की हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री रेडिकल फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है फ्री रेडिकल की फ्री रेडिकल्स आर फॉर्मड फ्रॉम द होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ अ मॉलिक्यूल

याद रखें कि जब कभी कि किसी एटम या मॉलिक्यूल का आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होता है तो उसकी वजह से वो हाईली रिएक्टिव होता है क्योंकि वो अनस्टेबल होता है यही वजह है कि फ्री रेडिकल्स को अगर देखा जाए तो फ्री रेडिकल्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में अनपेयड इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है कि इनका वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है यही वजह है कि फ्री रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं फ्री रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी एटम तभी पैरामैग्नेटिक होता है जब उनके वैलेंस जेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो फ्री रेडिकल्स के भी वैलेंस जेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं कि फ्री रेडिकल्स पैरामैग्नेटिक नेचर के हैं।